मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। अरुणाचल प्रदेश के 85% स्टेट कोटा के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। इससे पहले मैंने पौंडीचेरी का बता दिया था कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। बाकी जैसे जैसे स्टेट के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, हम आगे चर्चा करते रहेंगे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अभी तक का काउंसलिंग के बारे में क्या अपडेट है, कौन कौन से स्टेट्स में सीटें बढ़ी हैं, कौन कौन से स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट हुई है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीट्स की, इस साल के लिए कितने सीट्स इंक्रीज हो रही हैं। तो यूपी का मैंने आपको पहले बता दिया था गवर्नमेंट सीट के लिए, इसके बाद में तमिलनाडु का भी मैंने बता दिया था कि कितनी सीटें इंक्रीज हो रही हैं। अभी महाराष्ट्र में ये दो कॉलेज को और इस बार के लिए मान्यता मिल गई है, नई कॉलेज हैं दोनों। सतारा और अलीबाग के लिए 200 सीटों के लिए ये परमिशन मिल चुकी है। तमिलनाडु का और यूपी का मैं पहले बता चुका हूं गवर्नमेंट के लिए। अभी पुणे और सिंधुदुर्ग में 200 सीटों की मान्यता और मिलनी है। ये कब तक मिलती है इसका अभी पता लग जाएगा, शायद इस साल के लिए ये भी इसकी भी मान्यता मिल जाए। महाराष्ट्र में प्राइवेट कॉलेज के लिए 50 सीट्स के लिए परमिशन मिल चुकी है। अब प्राइवेट कॉलेज की बात करें हम, राजस्थान, मणिपुर, झारखंड, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़, इन पांच स्टेट्स में 5 प्राइवेट कॉलेज इस साल के लिए न्यू रन हो रहे हैं, इनको परमिशन मिल चुकी है। तो ये तो हो गया गवर्नमेंट और प्राइवेट के लिए अभी तक जो सीट्स इंक्रीज हुई हैं उसके बारे में। अब हम काउंसलिंग के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो जो जिसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं, पौंडीचेरी, पौंडीचेरी के रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, 22 उसकी लास्ट डेट है। इसके बाद में हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश की काउंसलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। ये 13 से 17 नवंबर तक इसके फर्स्ट राउंड के रजिस्ट्रेशन है, सेकेंड राउंड इसका 29 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अभी दो स्टेटों की हमारे पास में अपडेट है कि इन दो स्टेट्स में काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद में एक अपडेट है वो हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश में जो पहले काउंसलिंग हुआ करती थी, वो काउंसलिंग हुआ करती थी शिमला यूनिवर्सिटी द्वारा काउंसलिंग करवाई जाती थी, लेकिन अभी इस साल के लिए ये अटल यूनिवर्सिटी द्वारा काउंसलिंग करवाई जाएगी। अटल यूनिवर्सिटी द्वारा काउंसलिंग करवाई जाएगी जो नेरचौक में है। तो ये काउंसलिंग के लिए जो अथॉरिटी है इस बार चेंज हुई है, पहले शिमला यूनिवर्सिटी द्वारा करवाई जाती थी। तो ये हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट के लिए ये बड़ा अपडेट है, क्योंकि उनका जो काउंसलिंग अथॉरिटी है वो इस साल के लिए चेंज हुआ है। अभी जो नेक्स्ट अपडेट है वो डिफेंस कोटा कैंडिडेट के लिए है, यानी कि जिन कैंडिडेट को सेंट्रल पूल कोटा के अंडर डिफेंस की सीट लेनी है, जिनके पेरेंट्स आर्मी में हैं, तो उनके लिए 45 सीट्स रिजर्व हैं। तो वो उनके लिए एक अपडेट है कि उनके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं एमबीबीएस बीडीएस के लिए। एमबीबीएस बीडीएस के लिए उनके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये जो काउंसलिंग करवाई जाती है ये कल्याण सैनिक बोर्ड द्वारा करवाई जाती है, और ये 45 एमबीबीएस सीट्स और 3 सीट्स हैं वो बीडीएस की सीट्स हैं, इनके लिए काउंसलिंग करवाई जाती है। तो इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और इनकी जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट 30 नवंबर 2021 रखी गई है। यानी कि आप कल्याण सैनिक बोर्ड की वेबसाइट पर आपने 30 नवंबर 2021 तक रजिस्ट्रेशन करना है अगर आप एमबीबीएस बीडीएस की सीट लेना चाहते हैं डिफेंस कैटेगरी से सेंट्रल पूल कोटा के तहत, तो आप इस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसमें अलग अलग कैटेगरी होती है, EX1 से लेके EX8 तक कैटेगरी होते हैं। तो आपको कल्याण सैनिक बोर्ड से अपना एक सर्टिफिकेट बनाना होगा, उस सर्टिफिकेट में आपकी कैटेगरी दी जाएगी कि आप कौन सी कैटेगरी के अंडर आ रहे हैं। तो
तो उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब दूसरा अपडेट एक उड़ीसा से है, जो उड़ीसा के पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है वो बोर्ड के समक्ष प्रेजेंट होके अपना पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो ये इस प्रकार की अभी तक की अपडेट्स थी। अभी एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, तो जैसे ही एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो मिलते हैं नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।